धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्रों व नामों को पूजा सामग्री व दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों पर अंकित करने और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाले धर्म के नाम पर हिंदुओं को ठेस पहुँचा करके धन एकत्रित करने व धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से कार्य करने वालों के खिलाफ शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में शिव सैनिकों द्वारा जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया। पूरे विश्व में सनातन धर्म और स्नातक जीवन शैली सबसे प्राचीनतम धर्म शैली है। आज प्रत्येक हिंदू इसी स्नातक धर्म शैली से अपने जीवन को जीता है। हिंदू धर्म में समस्त धर्म का सम्मान व समस्त धर्म अनुयायियों का हृदय से सम्मान व सर्व धर्म की रक्षा का संकल्प युग से लेकर हिंदू धर्म करता आ रहा है। हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता दया त्याग के संस्कार रहे हैं, लेकिन आज हिंदू धर्म की आस्था को कुछ लोग ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से होने वाली पूजा में उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों के नाम दर्शाए जाते हैं, जिन्हें उपयोग में लाने के बाद फेंक दिया जाता है, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों द्वारा मांग की गई कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगी सामग्रियों को अविलंब सरकार प्रतिबंध करे। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले असामाजिक तत्व छापने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। जिले में प्रशासन द्वारा ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इस प्रकार के कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। अगर इन सारी मांगों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो शिव सैनिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। प्रदर्शन करने वालों में पंकज सिंह पाल, उमेश ठाकुर, राहुल जैन, सचिन नारंग, बदाम सिंह आदि लोग मौजूद थे। आज एक बहुत संगीन मामला है, आप लोगों के संज्ञान में लाना कि आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से लोगों ने हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, इसके जो देवी देवताओं के चित्रों को आम चीज़ों पर पूजा की सामग्री पर प्रकाशित करके उनके नामों को प्रकाशित करके जिस तरह ये करा जा रहा, उसके लिए हमने पहले भी कई बार जैसे लिखित भी भेजा है और अंकित इसके खिलाफ बोला भी है, लेकिन आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं, एक तुलसी जलदा पाउच आता था, उसके ऊपर तुलसी उस पर रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ अंकित होती थी, उसको भी 10 से 12 साल पहले शिवसेना ने प्रदर्शन करी और एक वाद भी दायर करा था। वो आज जो तुलसी जलदा के ऊपर जो रामचरितमानस जी की पंक्तियाँ थी वो होना बंद हुई, उन पर वाद हुए। आज शिवसेना कटिबद्ध है कि आज हम जो हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को लेकर के उसके बाद उनको कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है, ये होता है उसके लिए, और पूरा हिंदू समाज आहत होता। हम माननीय जिलाधिकारी माध्यम जी के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद पूरे शहर के अंदर पूरे ज़िले के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जगह जगह पर बैठ कर के लोगों को जागृत भी करेंगे, मंदिरों के बाहर लेकर के धार्मिक स्थलों के बाहर जाकर के पोस्टर लगाएंगे, और उसके बावजूद भी अगर लोग ने छापना बंद नहीं करे तो जिन इकाइयों ने छाप रही हैं उनके पास धरने प्रदर्शन करेंगे, और आखिर में भी नहीं हुआ तो शिवसेना सड़कों भी आंदोलन करेगी और वाद भी दायर करेगी। जय भवानी, जय शिवानी।